क्या आपको पता है कि आज यहाँ पर ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये पूरा खानदान क्रोकोडाइल और शेर की लड़ाई को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इधर ये तीनों शेर मिलकर इस क्रोकोडाइल की धुलाई कर रहे थे। इन शेरों को भी ये शो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। इस कमीने क्रोकोडाइल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ना जाने इस शैतान ने कितने मासूम जानवरों की जान ली होगी। कभी बेचारे मंकी को पकड़ लेता है तो कभी जीवरे को। लेकिन आज इन शेर भाई साहब ने मिलकर इसके साथ बहुत अच्छा किया, जो इसकी अकल को ठिकाने लगा दिया। भाई जेवरा हो तो ऐसा, इस शेरनी ने इसे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन शेरनी के पकड़ने के बावजूद भी जेवरा अपने जान बचाने की कोशिश करता ही रहता है। कभी इस ससुरी को सड़क पर घिसता तो कभी झाड़ियों में कांटे लगाने ले जाता। एक पल के लिए जेवरा इसकी पकड़ से छूट भी जाता है। लेकिन भाई इसका भी नाम शेरनी है, वो अपने शिकार को ऐसे कैसे जाने देती, उसे फिर से दबोच लेती है। लेकिन इसको इस बार ऐसा दबोचती है भागना तो दूर, इस बार खड़ा ही ना हो पाए। अब आती है भाई शेर मैडम की बारी। ये मैडम जी इन बफेलो के डर से पेड़ पर जाकर बैठ गई हैं। अगर आज ये मैडम जी इस पेड़ पर ना चढ़ती तो पक्का आज भैंस मिलकर इनका भरता बना ही देती। लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आज ये बच गई। डरपोक मैडम कहीं की, चल निकल यहाँ से, शेर के नाम पर धब्बा है तू। दोस्तों ये चीता एक वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाने निकला है, लेकिन वाइल्ड बीस्ट इसके हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी मदद करने एक और चीता भाई साहब आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। ये ससुरा वाइल्ड बीस्ट भी इनको इधर से उधर नचाता ही रहता है, उल्टा वाइल्ड बीस्ट इनके मुँह में लात और बजाता है। ससुरे भाग जाओ यहाँ से, बड़े हैं मेरा शिकार करने। दोस्तों हिप्पो एक बहुत ही बड़ा और भारी भरकम शरीर वाला जानवर होने के साथ साथ एक गुस्सल जानवर भी है। जब इसकी वाइफ इसकी बात नहीं मानती तो ये उसको ही पीट डालता है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये हिप्पो आराम से अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन अचानक से शेरनियों ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन भाई हिप्पो को बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है और एक शेरनी की गर्दन पकड़ी और उसकी पेटियां सी दबा देता है। सभी शेरनियां इसका ये खौफनाक रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और पतली गली से निकल लेती हैं। अब हिप्पो अपना सीना तानकर आराम से अपने घर जाता है। लेकिन हिप्पो ने एक शेरनी को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब ये किसी हिप्पो पर हमला करना तो दूर, उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। दोस्तों चलिए अब आपको एक मस्त सा नजारा दिखाते हैं। ये बकरी चट्टान से फिसलकर नीचे आ जाती है और तभी ये लिपट ससुर अंगड़ाई लेते लेते हुए भी इसको देख लेता है और फिर क्या, इसके मुंह में पानी आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। ससुरा ये लिपट ही क्यों नहीं फिसल जाता, इसकी हड्डी पसली टूटे तो सही। लिपट इस बकरी को पकड़ तो लेता है, लेकिन कुछ देर के लिए ही। ये बकरी इससे छूटकर पानी में गिर जाती है और लिपट को बाय बाय करके वहां से भाग जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।